हाँ जी तो लास्ट क्लास हम देख रहे थे कि कैसे हम पता कर सकते हैं अगर डिमांड कर्व है मेरे पास तो एक एस्टिमेशन हम लगा सकते हैं तो दोस्त ये जो मूवमेंट हो रहा है ये जितने भी मूवमेंट हो रहा है ये एक ही डिमांड कर्व में हो रहा है ठीक है ये जो मूवमेंट हो रहा है ये इंक्रीज़ एंड डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है तो लेट्स अगर यहाँ आया और भी डिमांड इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे हो सकता है पांच सौ ये प्राइस है पचास पैसा ठीक है डिमांड इंक्रीज हो रहा है ये एक और गोला इधर आ गया एक और प्लॉट एक और पॉइंट इधर आ गया सो so ये जितना भी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है दोस्त ये सब कुछ हो रहा है सारा प्लॉटिंग जो हो रहा है ऑल द प्लॉटिंग प्लॉटिंग इन द सेम डिमांड कर मूवमेंट अलोंग मतलब मूवमेंट ऊपर नीचे द डिमांड कर तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर का मतलब क्या है डिमांड एक्सपेंशन या डिमांड कॉन्ट्रैक्शन राइट और रॉन्ग हाँ जी अभी हमने सब सीख लिया लास्ट क्लास में सब सिखाया कि एक्सपेंशन जब बोलेंगे तो क्या मतलब है कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे तो क्या मतलब है ये सब हमने सीख लिया है एक नया चीज सीखना है तो पूरा का पूरा डिमांड कर इसका मतलब क्या है कि ये ये जो जो कर्व जो ये लाइन था ये लाइन शिफ्ट होके ये लाइन पूरा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया देख रहे हो इस पॉइंट को कहते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व और ये ऐसा भी हो सकता है दोस्त कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा राइट के तरफ जाएगा ये मेन कर्व था जो ब्लैक में है अब ये एक नया कर आ रहा इधर नया कर रहा इधर तो ये शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड लेफ्ट शिफ्ट तो ये डिमांड कर्व पूरा का पूरा कब शिफ्ट होता है और उसका क्या मीनिंग होता है आज हमको ये पढ़ना है इट शुड बी नोटेड दट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जब डिमांड गिरता है जब डिमांड गिरता है तो कल तक जो यहाँ पर थे हम अब यहाँ से यहाँ आए हैं ठीक है डिमांड गिर गया है प्राइस बढ़ गया है इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन के समय हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट ये रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको एक्सपेंशन के समय हम कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट सारा काम हो रहा है इसी कर्व में इसी कर्व में हो रहा है डी से डी ये कर्व में हो रहा है अब सिर्फ एक ही चीज बोलना बाकी रह गया है ये जो भी हरकत हो रहा है इस डिमांड कर्व में वजह तुम हो वजह तुम हो कौन है वजह ये प्राइस ये अभी तक एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट ये जितना भी शब्द हम देखे हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण हो रहा है प्राइस ठीक है आगे चल के अभी तक जो हमने डिमांड लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है तो लॉ ऑफ डिमांड में लैला और मजनू था प्राइस एंड क्वांटिटी प्राइस एंड क्वांटिटी और बाकी सब फैक्टर्स खामोश बैठेंगे तो दोस्त अब जिंदगी में आगे बढ़ने का समय आ रहा है लैला मजनू का स्टोरी खत्म ही रांझा का स्टोरी शुरू ठीक है तो ये कहानी यहां पर जो है प्राइस एंड क्वांटिटी से रिलेटेड है प्राइस एंड क्वांटिटी का ही बात हो रहा है तो यहाँ पर है डिमांड कर्व डिमांड कर्व में मूवमेंट ऊपर नीचे ऊपर नीचे चले जा रहा है कभी इसे एक्सपेंशन कहते हैं कभी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन अगर है तो अपवर्ड मूवमेंट है एक्सपेंशन अगर है तो डाउनवर्ड मूवमेंट है और ये सब कुछ जो हो रहा है प्राइस के कारण हो रहा है और एक चीज़ कह रहे हैं ये लोग ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस क्या क्या है इनकम टेस्ट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट अभी तक ये सब कांस्टेंट है खामोश बैठे द अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट मींस दैट द पोजीशन ऑफ द डिमांड कर्व कर द सेम एंड कंज्यूमर मूव्स डाउनवर्ड एंड अपवर्ड ऑन इट जब तक अदर फैक्टर्स खामोश है और एक ही फैक्टर जिंदा है जो फैक्टर को हम कहते हैं प्राइस जब अदर फैक्टर्स खामोश बैठे हैं और एक ही फैक्टर जिंदा है जो है प्राइस तो उस सिचुएशन पे मूवमेंट होंगे मूवमेंट ऊपर नीचे होंगे ऑन द सेम डिमांड कर्व जैसे ये प्राइस को छोड़कर अदर फैक्टर्स अगर आ जाएंगे तो दोस्त तुरंत शिफ्ट आ जाएगा ये शिफ्ट इधर भी हो सकता है ये शिफ्ट इधर भी हो सकता है तो ये भूमिका मैंने बनाया आपके लिए जब प्राइस को हटा के अदर फैक्टर्स में बात करेंगे तो हमेशा राइटवर्ड right शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व शिफ्ट होना और मूवमेंट इन द सेम डिमांड कर्व होना अलग अलग बात है सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट ऊपर नीचे हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं बताइए एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन और वो सिर्फ और सिर्फ अगर प्राइस रिलेटेड बात हो प्राइस रिलेटेड तो होता है अब कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल रहा है कंज्यूमर का इनकम बदल रहा है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स बदल रहा है और अदर फैक्टर्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स देखो भैया डिमांड क्या सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट है सोच के देखो सोच के देखो ना देखो भैया सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं है नहीं है नहीं है लॉ ऑफ डिमांड आपको समझाना था बच्चों की तरह समझाना था प्यारे बच्चों की तरह समझाना था तो अभी हमने क्या किया उसको तोड़ तोड़ के समझाया अभी हमने सिर्फ समझाया कि देखो लॉ ऑफ डिमांड अगर आपको समझना है लॉ ऑफ डिमांड समझना है तो पहले आप एक काम करो सिर्फ क्वांटिटी क्वांटिटी मतलब है डिमांड डिमांड हम लोग क्या करते हैं एक बात बताओ डिमांड व्हाट डू वी डिमांड वी डिमांड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट तो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी और प्राइस क्योंकि प्राइस जो है दोस्त सबसे मेजर इन्फ्लुएंस है प्राइस का जैसे कि आपका पहला प्यार है भैया प्राइस ये आपका पहला प्यार है यही आपकी गर्लफ्रेंड है यही आपकी महबूबा है यही आपकी धर्मपत्नी है तो सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता यह है इसीलिए हमने सबसे पहले क्वांटिटी एंड प्राइस को रिलेट करके बताया बट जब शादी हो जाती है तो भैया किड्स भी आ जाते हैं रिलेटिव भी आ जाते हैं साला साली भी आ जाते हैं और आपके शादीशुदा ज़िंदगी में उनका भी इन्फ्लुएंस होता है सिर्फ और सिर्फ धर्म पत्नी का इन्फ्लुएंस नहीं होता है धर्म पत्नी का इन्फ्लुएंस बड़ा ज़बरदस्त होता है ये तो हम लोग सब मानेंगे तो यही समझिएगा कि प्राइस जो है आपकी धर्म पत्नी है बट अगर धर्म पत्नी के साथ साथ और भी फैक्टर्स होते हैं तो आइए हम अब डिस्कस करेंगे और भी फैक्टर्स इनकम बढ़ गया दोस्त तो बीस हज़ार रुपया इनकम में जब गुड्स का दाम पाँच रुपया हुआ करता था तो मैं दस पीस खाता था अब मैं पंद्रह पीस मांग रहा हूँ अभी तक हम लोग एक ही फैक्टर का बात कर रहे थे एक फैक्टर का बात कर रहे थे जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राइस इंक्रीज एंड प्राइस डिक्रीज़ को रिलेटेड में बात कर रहे थे अब हमने एक नया बात शुरू किया है कि पैसे बढ़ गए कमाई बढ़ गई है तो कमाई जब बढ़ती है तो दोस्त क्या होता है ये देख लो ये जो पहला पॉइंट है ये है मेरा पहला प्यार ये पहला प्यार में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है मेरे दोस्त क्वांटिटी और प्राइस अब दोस्त इनकम बढ़ गया है पच्चीस हजार हो गया यह जो एक नया कर्व बन के आ रहा है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है और वजह क्या है क्या पत्नी से झगड़ा हो गया पत्नी कौन थी हमारी प्राइस नहीं 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 प्राइस रिलेटेड कुछ भी बात होता तो इधर अब हमारा इनकम बढ़ गया जी आमदनी बढ़ गया ठीक है तो नई बात हो रही है अब जब पाँच रुपया ही प्राइस है बट आमदनी बढ़ गई है पच्चीस रुपये दस क्वांटिटी से बढ़कर कर पंद्रह पीस में आ जा रहा हूँ क्या ये चीज़ क्लियर है यहां दस पीस है यहां पंद्रह पीस है क्या ये स्लो हो रहा है नहीं कल तक क्या होता था ना दस से पंद्रह यहां आता था ऐसे क्योंकि ये जो लाइन है ये पंद्रह की लाइन है ये ये जो लाइन है ये क्या आप समझ पा रहे ये जो लाइन है ये पंद्रह पंद्रह क्वांटिटी का लाइन ये है प्लीज समझिएगा बात को तो सेम डिमांड कर्व में जब हम बात करते थे जब मेरी आमदनी बीस हजार होती थी तो दस से पंद्रह का सफर दस से पंद्रह का सफर यह है मेरा पंद्रह का पॉइंट ये पॉइंट है मेरा पंद्रह वाला पॉइंट इस डिमांड कर्व में ये जो डिमांड कर्व है इस डिमांड कर्व में मेरा आमदनी कितना है इस डिमांड कर्व में मेरा आमदनी है बीस हजार रुपया तो अगर पंद्रह पीस क्वांटिटी मेरे को चाहिए तो मेरे को दोस्त चार रुपया अगर होगा चार रुपया अगर होगा तो मैं पंद्रह पीस लूंगा बट आज मेरे लिए पंद्रह पीस लेना है पाँच रुपया में ही मैं पंद्रह पीस ले रहा हूँ बात को समझिएगा पंद्रह पीस में यहीं यहीं ले ले रहा हूँ पंद्रह पीस मैं ले रहा हूँ और पाँच रुपये के कीमत पे ले रहा हूँ कल तक जब मेरा आमदनी बीस हजार रुपया था तो पंद्रह पीस लेने के लिए मैं इंतजार करता था कि दाम पाँच रुपये से चार रुपया हो क्या ये समझ में आ रहा है आपको ग्राफ से आज के दिन में मेरे को पंद्रह पीस लेने के लिए पाँच से चार होने का इंतजार नहीं कर रहा हूँ मैं दस से पंद्रह पीस तुरंत ले ले रहा हूँ क्योंकि मेरा कमाई बढ़ गया है दोस्त मेरा इनकम बढ़ गया है और इस पूरे प्रोसेस में एक नया कर्व हमको मिलेगा कल तक मेरा कर्व कुछ और था आज मेरे लिए क्योंकि इसी पॉइंट पे मैं शिफ्ट कर जा रहा हूँ मैं नीचे नहीं आ रहा हूँ कल तक स्लोप डाउन करता था मैं पंद्रह पीस के लिए मेरे को नीचे आना पड़ता था प्राइस नीचे आएगा तो मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा आज मैं नीचे नहीं आ रहा हूँ मैं गिर नहीं रहा हूँ मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूँ क्या मैं प्राइस गिरने का इंतजार कर रहा हूँ नो आई एम जस्ट सिंपली मूविंग अहेड ए पांच रुपया में कोई बात नहीं आज अपना इनकम पच्चीस हजार का है तो मेरे ख्याल से कहीं पर भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए डिमांड कर्व का इंटरप्रिटेशन आपने सीख लिया है जी बधाई हो आपको ठीक है बहुत ज़्यादा ईजी है इकोनॉमिक्स तो आइए इस फिगर को देखते हैं क्वांटिटी पर पीरियड ऑफ टाइम क्वांटिटी पर पीरियड ऑफ टाइम ठीक है यहाँ D1 से D2 में पहुंच रहे हैं तो ये शिफ्ट टूवर्ड्स राइट हो रहा है या D1 वन टू डी पहुंच रहे हैं शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट हो रहा है तो राइट right का मतलब क्या है लेफ्ट का मतलब क्या है ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए अभी राइटवर्ड टूर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है और ज्यादा क्वांटिटी उसी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे हम और ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं प्राइस पॉइंट वही है अभी तक क्या हो रहा था प्राइस गिरता था तो हमारा डिमांड बढ़ता था बट यहाँ पर प्राइस उतना का उतना है प्लीज ध्यान दीजिएगा और हमारा डिमांड बढ़ गया ऐसा क्या हुआ है अरे भैया हमारा इनकम बढ़ गया है जी इनकम बढ़ गया है या राइज़ इन प्राइस ऑफ अ सब्सटी का प्राइस अगर बढ़ जाए तो सब्सटीट्यूट नहीं लेंगे हम इस पर्टिकुलर आइटम को लेंगे अ फॉल इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट अ चेंज इन टेस्ट इन फेवर ऑफ दिस कमोडिटी एन इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन एंड अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ग्रुप्स हु फेवर दिस कमोडिटी तो ये इतना वजह है राइटवर्ड शिफ्ट करने का और लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने का

डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब क्या डिमांड बढ़ रहा है या ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये सब अपने बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर और यहाँ ये हो रहा है शिफ्ट या इधर की तरफ आ रहा है इसमें उसी सेम प्राइस पॉइंट पे चार रुपये के प्राइस पॉइंट पे कल तक मैं यहाँ पर डिमांड कर रहा था इतना क्वांटिटी अब मैं इतना क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूँ तो ये चीज़ एकदम मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए दोस्त तो इसमें क्या डिसीजन मेकर्स जो है उनको डिफरेंस पता होना चाहिए तो क्या आपको डिफरेंस पता चल गया है अगर आपको पता चल गया तो भाई आप ही तो डिसीजन मेकर होने वाले हो यहां जो चेंज होता है ना यहां चेंज होता है ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस यहां देखो प्राइस तो चार रुपया का चार रुपया है राइट मैं ग्राफ के सामने लिख रहा हूं यहां पर क्या है पंद्रह यूनिट है और यहां पर है तीस यूनिट तो क्या चेंज इन प्राइस हुआ नहीं हुआ ये डिमांड चेंज इन प्राइस नहीं हुआ ये एरो देखो ये सीधा और आगे चला गया यहाँ क्या होता है नीचे आता डाउनवर्ड स्लोपिंग यहाँ शिफ्ट है समझिएगा मेरा बात दिस इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग दिस इज शिफ्ट शिफ्ट क्यों हो रहा है क्योंकि ये इधर आ रहा है एरो इधर है ये डाउनवर्ड नहीं आ रहा यहाँ हमेशा नीचे आता क्यों क्योंकि यहाँ पर जो है यह चार रुपया में इतना डिमांड था और पाँच रुपया होते के साथ डिमांड बढ़ा है इंक्रीज हुआ है ये आपको समझ में आ रहा है बट यहां चार रुपया में ही इंक्रीज हुआ है तो यहां डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है यहां एरो है, शिफ्ट, इधर से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया मैं यहां पर दस और इस पॉइंट पे है पंद्रह इस पॉइंट पे और यहां है दस और यहां है पंद्रह दस और पंद्रह यहाँ दस है और इस पॉइंट पे पंद्रह है तो देखो दोस्त ये नीचे आ रहा है और ये दस और पंद्रह यहां पर भी दस और पंद्रह है और यहां पर भी दस और पंद्रह है तो यहां पंद्रह आएगा इधर में बट ये जो आ रहा है ये राइट वोट शिफ्ट है तो दिस इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड दिस इज शिफ्ट ये देखिए दस और पंद्रह यहाँ पर भी है दस और पंद्रह यहाँ पर भी है तो प्लीज़ एक ही चीज़ को मैंने कई बार बोला है कई बार दिखाया है एक बार समझ लेंगे ईजी हो जाएगा सो दस वेन एन इकोनॉमिस स्पीक्स ऑफ एन इनक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड वो क्या बोल रहा है ही रेफर्स टू अ शिफ्ट ऑफ द होल कर्व दोस्त अभी हमने आपको कुछ देर पहले एक्सपेंशन वर्ड सिखाया था तो एक्सपेंशन इज नॉट इक्वल टू इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू डिक्रीज मतलब कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का जब बात होगा तो दे आर टॉकिंग ऑफ मूवमेंट ठीक है और इंक्रीज डिक्रीज का जब बात होगा तो दे आर टॉकिंग ऑफ द शिफ्ट तो क्या देखो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में लगता है कि यार ये या एक्सपेंशन का मतलब और इंक्रीज का मतलब तो एक ही है ना इसका बिज़नेस एक्सपेंड हो रहा है तो अपने को दिमाग में क्या लगता है अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है बिज़नेस बट इकोनॉमिक्स के भाषा में मेरे दोस्त ये एकदम क्लियर समझ लीजिए वरना क्या होगा आप आंसर गलत टिक करके आ जाओगे इतना देर तक जो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ इसीलिए समझा रहा था कि भाई कहीं ना कहीं आपको ये लगना चाहिए कि सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं यही कंफ्यूज होते हैं बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं पर उनको लगता है एक ही तो बात है ठीक है तो अपने को अब समझ में आ गया कि एक बात नहीं है सो so जब हम इंक्रीज शब्द का और डिक्रीज शब्द का प्रयोग करेंगे डिमांड के लिए तो ही इज रेफरिंग टू द शिफ्ट इन द होल कर्व बिकॉज वन और मोर ऑफ द फैक्टर्स विच वर अज्यूम टू रिमेन कॉन्स्टेंट अर्लियर हैव चेंज्ड तो मैं अब मेरे को कुछ समझाना नहीं है इसमें क्लियर है वेन द इकोनॉमिस्ट स्पीक of change in quantity demanded. प्लीज ध्यान दीजिएगा प्लीज ध्यान दीजिएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड प्लीज ध्यान दीजिएगा दोस्त क्या आप लोग नोट कर सकते हैं अलग से प्लीज तो यहां एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ही मीन्स मूवमेंट अलॉन्ग द सेम करव तो ये सब जो है इधर में है मूवमेंट अलोंग द सेम करव और इधर में है शिफ्ट तो ये भाषा आप लोग प्लीज समझ लीजिए दैट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड विच हैज़ हैपेंड अब ये क्यों होता है अपने को बार बार पता है कि यह सिर्फ इधर का जो बात हो रहा है इधर का इस एरो का इधर का बात हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस जबरदस्त लैंग्वेज का हेरफेर है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन डिमांड इन शॉर्ट चेंज इन डिमांड जेंट्स शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर राइट और लेफ्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंजेस इन फैक्टर्स सच एज इनकम टेस्ट ये सब तो अपने को पता है एंड चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड देख रहे हो मेरे दोस्त रिप्रेजेंट्स मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑन द सेम डिमांड करव रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी तो भाई साहब ये भाषा का उलझन था यहाँ पर अब मेरे ख़्याल से आप लोग मेरे को माफ़ कर पाओगे कि सर ने हमारा टाइम वेस्ट नहीं किया कुछ बच्चों को ऐसा लगता कि सर एक ही चीज़ को बार बार पढ़ा रहे हैं बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो चलो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं क्लास को और उसके बाद उसको कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो चलो भैया सर को व्हाट्सएप कर लेते हैं कि सर मुझे कोई ये समझ में नहीं आया तो दोस्त इस तरीके से मत पढ़ाई करो थोड़ा सा विश्वास को और बढ़ाओ अगर मैं किसी चीज़ को धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं और अगर आपको बहुत ज़्यादा यकीन है अपने ऊपर फॉरवर्ड कर लियो तो ठीक है बट अगर दोबारा कई क्वेश्चन में अटक रहे हो तो व्हाट्सएप करने से पहले ये ध्यान दीजिएगा कि अच्छा मैंने फॉरवर्ड किया है तो शायद मैं एक बार वापस जाके सुन लूँ आपको आंसर वहीं पर मिल जाएगा अब बताइए वन डिमांड इनक्रीजेज ये जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज का मतलब क्या है वेन डिमांड इंक्रीजेस अब बताओ ये लैंग्वेज मतलब इस साइड में आ रहा है ठीक है इंक्रीज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस देखा क्योंकि मैंने इस साइड में लिखा तो ये इस साइड का फैक्टर ही है अदर देन प्राइस फर्म्स कैन सेल मोर एट द एग्जिस्टिंग प्राइसेस रिजल्टिंग इन इंक्रीज रेवेन्यू ये सब लाइन पे प्लीज ध्यान दीजिए ये जो मैं पढ़ रहा हूं प्लीज ध्यान दीजिए क्योंकि अभी आप इकोनॉमिक्स का जिस्ट तो समझ रहे हो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखो अब यहां से कितना बड़ा एक बात निकल के आ रहा है कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं हम लोग एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं अब अगर मेरे को समझ लो प्राइस गिरा के क्वांटिटी डिमांड बढ़ाना लेट्स से मेरे को एक लाख पीस कुछ बेचना है वन लाख आई वांट टू सेल वन लाख पीस मेरे पास अभी दस हजार पीस बिक गए हैं दस हजार पीस बिके हैं पंद्रह रुपये के भाव में ठीक है लेट्स से मैं बॉल मैं बॉल मैन्युफैक्चर हूँ क्रिकेट का बॉल बना रहा हूँ और जबरदस्त बॉल बनाया हूँ और क्रिकेट तो भैया पूरा इंडिया फैन है क्रिकेट का राइट पूरा देश क्रिकेट खेलना चाहता है एक बहुत ही अच्छा बॉल का मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया दोस्त और ये बॉल मैं बेच रहा हूँ सिर्फ पंद्रह रुपया पीस पे और इससे भी अच्छी क्वालिटी जो कल तक लोगों को लग रही थी वो बीस से पच्चीस रुपया में बिक रहा था दोस्तों ये बॉल तो चलो मैंने पंद्रह रुपया में बेच रहा हूँ मैं तो मार्केट से तो वैसे भी ये बॉल थोड़ा सा सस्ता है और अभी तक मैंने दस हजार पीस बेच लिया है अब मैं ये चाहूंगा कि भाई ये बॉल दस हज़ार पीस बेचा हूं मैं और मैं लॉ ऑफ डिमांड सीख लिया हूं लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि भाई जैसे जैसे प्राइस गिराओगे आपका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा समझना बात को सही है अब भैया दादाजी ने मेरे को कहा है कि बेटा तुम जिस दिन एक लाख पीस बेच लोगे तब मेरे पास आना मैं तुम्हें इनाम दूंगा तो लॉ ऑफ डिमांड को समझते हुए मैंने क्या सोचा कि भैया पंद्रह रुपया पीस है एक काम करता हूँ मैं प्राइस और गिरा देता हूँ तो दोस्त प्राइस गिराने से लट से मेरा बारह रुपया का कॉस्टिंग है क्या मैं बारह रुपया के नीचे जा सकता हूँ समझो अगर बारह अगर मेरे को एक लाख पीस बेचना है दादाजी ने कहा बेटा एक लाख पीस बेचना है अब मैंने इस बॉल का कीमत कर दिया दो रुपये दो रुपया में तो हो सकता है मैं पाँच लाख पीस बेच दूं बट पाँच लाख पीस बेच के दस रुपया पर पीस का नुकसान करके मैं दादाजी को जाके क्या बोलूँ दादाजी दादाजी मैंने पाँच लाख पीस बेच दिया है बट दादाजी दादाजी मैंने पचास लाख रुपये का घाटा किया है देखो अब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बुक में नहीं लिखा हुआ कहीं पर ये मैं आपको डे टू डे कॉमन सेंस की बातें पढ़ाना चाहता हूं जिससे अपने को लगे कि यस जो हमने किताबों में पढ़ा है अब हम आइए उसको रियल लाइफ से जज करते हैं तो दादाजी बोलेंगे अरे बुड़वक ये क्या किया तूने पचास लाख का नुकसान कर दिया घर पे। तो दादाजी आप ही ने तो कहा था भैया सिर्फ दस हजार पीस बेचे हो तुम अभी तक तो दादाजी ने मेरे को कहा बेटे तुम्हारा प्रोडक्ट ऑलरेडी इतना अच्छा है कि बीस रुपया पच्चीस रुपया में जो सामान बिक रहा है उनसे भी अच्छा क्वालिटी है तुम्हारा और तुम्हें एक लाख पीस बेचना है तो बेटा तुम एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करते हो तो दादाजी ने कहा बेटा एडवर्टीजमेंट करो तो दादाजी एडवर्टीजमेंट में तो पांच लाख रुपया लग जाएगा दादाजी ने कहा बेटा तुम अभी पचास लाख का नुकसान करवाए हो मैंने कहा हाँ दादाजी पचास लाख का तो नुकसान हुआ है तो बेटा ये पांच लाख रुपए का रिस्क लो पांच लाख रुपए का रिस्क तुम्हें लेना होगा बेटा अगर तुम्हें तुम्हारे प्रोडक्ट पे यकीन है पंद्रह रुपया पीस में तुम बेच रहे हो अच्छा है पांच लाख रुपया का एडवर्टीजमेंट करो मैंने पांच लाख रुपया का एडवर्टीजमेंट किया मेरे दोस्त और दादाजी ने कहा जब एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो अट्ठारह रुपया पीस कर दो तुम केस स्टडी है रियल लाइफ केस स्टडी ओके okay? तो तीन रुपया पर पीस का बेटा तुम्हारा मैंने फायदा करा दिया तो तुम दादाजी को बोलोगे दादाजी दादाजी आप तो लॉ ऑफ डिमांड तो बोलते प्राइस बढ़ जाएगा तो मेरा तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा दादाजी को बोला नहीं बेटे ऐसा नहीं होता तुम एडवर्टीजमेंट करके तो देखो पांच लाख का एडवर्टीजमेंट किया मैंने और विश्वास करो मेरा पांच लाख पीस बिक गया तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट तो मेरा एक रुपया पर पीस ही तो लगा दोस्त एक रुपया पर पीस का ही तो एडवर्टीजमेंट आया बट एडवर्टीजमेंट करने से बल्कि दो रुपया का और एक्स, एक्स्ट्रा मुनाफा आया क्योंकि मेरे को पंद्रह रुपया के जगह मैं अट्ठारह रुपया में बेच रहा हूँ अरे वाह ये तो कमाल हो गया जो मैं पंद्रह रुपया में बेच रहा था पंद्रह रुपया में जब मैं बेच रहा था समझिए लास्ट स्टैटिस्टिक्स समझिए कल तक जो मैं पंद्रह रुपया में बेच रहा था फिफ्टीन रुपीज में मैं सिर्फ दस हज़ार पीस बेच पाया एटीन रुपीज़ में मैंने पांच लाख पीस बेच दिया और मेरा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट था पांच लाख रुपए। तो भैया तीन रुपये का जो फ़ायदा हुआ वो तो हुआ ही ये तो डिफरेंशियल फ़ायदा है और मेरा एक्चुअल कॉस्ट था बारह रुपया तो बारह अट्ठारह माइनस बारह इज इक्वल टू छः रुपया छः रुपया इंटू पांच लाख यह हुआ अपना तीस लाख रुपया तीस लाख में से पांच लाख एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को हटा दो तो भी मैंने पच्चीस लाख रुपया का मुनाफा कर लिया तो दादाजी के एक छोटे से एडवाइज ने जो मैं पांच पचास लाख रुपया का नुकसान किया था देखो मैं पच्चीस लाख रुपया कमा लिया तो कहने का मतलब ये कि एडवरटाइजमेंट से देखो क्वांटिटी जो मैं सिर्फ दस हज़ार पीस बेचा था एडवर्टाइजमेंट करने से मैं पांच लाख पीस बेच दिया तो अब दोस्त ये आपको बताना है कि ये एडवरटाइजमेंट करने से पांच लाख पीस बेच दिया और अब तो लोगों को पता चल गया है ठीक है अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं जब तक मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं किया था दोस्त तो मैं बेचा था समझ लो यहां पर है दस हजार पीस का ग्राफ इस पॉइंट पे और जैसे ही मैंने एडवरटाइजमेंट कर दिया मेरा डिमांड कर यहां आ गया क्योंकि तो यहाँ है पांच लाख समझ रहे हो इसी पॉइंट पे पंद्रह रुपया के प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर पाँच लाख पीस ये मैजिक हुआ ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट तो डिमांड कर शिफ्ट हो गया जब तक एडव प्राइस तो वही है तो मैं सोच रहा था कि मेरे को लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करना है मैं प्राइस को दो रुपया कर दूँ दो रुपया करके मेरे को पाँच लाख का डिमांड आए दो रुपया करके मैं यहां पहुंचू या मैं एडवरटाइजमेंट करके मैं यहां पंद्रह रुपया में यहां पहुंचू तो दो रुपया में पांच लाख पीस बेचना और पंद्रह रुपया में पांच लाख पीस बेचना दो रुपया में पांच लाख पीस बेचने से दोस्त आएगा तीस लाख रुपया पंद्रह रुपया में पांच लाख पीस बेचने से आएगा पचहत्तर लाख रुपया द ऑब्जेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल अदर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज बाई एनी फर्म इज टू शिफ्ट द डिमांड कव टू द राइट एंड टू रिड्यूस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक नया वर्ड आ गया है दोस्त